गाइस आ गए हैं अंदर कंपनी में। अंदर काफी बाइक्स लगी हुई हैं, रैम्स भी फुल हैं सारे। ये जी राइनॉक्स की जैकेट दिखाई है भैया ने अभी फिलहाल। इसमें ये लेवल 2 की है ना भैया, लेवल 2 की है जिसमें चेस पी लो गाइस। गर्मी लग रही होगी आपको भी। तो गाइस टैंकी हो चुकी है फुल और इंडियन फ्लैग चेक करो कितना प्यारा लग रहा है। ये रहा अपना टायर चेंज होते हुए और ये है जी दुकान। सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग वंस अगेन। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट वरुण डोगरा। तो दोस्तों आपको थंबनेल और टाइटल से पता लग ही गया होगा। जी हाँ दोस्तों, मेरी जो लाइफ की सबसे लॉन्ग राइड होने वाली है अपनी ब्लैक पर्ल पे, वो हो गई है शुरू। मतलब शुरू होने वाली है, अभी जा रहे हैं जी हम प्रेपरेशंस के लिए उसकी। जैसे कि बाइक की सर्विस कराना बहुत ज़रूरी है, ब्लैक पर्ल की सर्विस होगी। और ये मीटर मेरा देखो हिल चुका है सारा। इसके नीचे जो पत्तियाँ होती हैं क्लम्प जिससे ये जुड़ा होता है, वो भी नया लगवाएंगे। इसका बाइक का टायर है वो भी नया डलवाएंगे। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें प्रॉपर पूरी करवाएंगे तो फिर अपनी राइड कर देंगे स्टार्ट। तो चलो चलते हैं। अभी मैंने अपॉइंटमेंट ली हुई है रॉयल एनफील्ड में, मेरी 10:15 की अपॉइंटमेंट है, बट टाइम 10:10 हो चुका है यहीं पे। तो होपफुली टाइमली पहुंच जाऊं मैं। और एक ये मिरर है, मिरर भी टूट गया था, ये भी नया डलवा लेंगे। और बाइक बहुत गंदी हो चुकी है तो सर्विस होगी तो कंपनी में वॉश भी हो ही जाएगी। तो काफ़ी मज़ा आएगा इस एपिसोड में। तो मतलब जो जो भी होगा प्रेपरेशंस जैसी जैसी भी होंगी वही दिखाऊंगा, पर इसके नेक्स्ट व्लॉग्स जो आएंगे वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार आएंगे। पूरी राइड आपको दिखाऊंगा मैं और काफ़ी लंबी राइड होने वाली है गाइस। अभी तो नहीं बताऊंगा कहाँ की राइड है, वो थोड़ा सस्पेंस रखते हैं, आपको पता लग जाएगा जल्दी ही या नेक्स्ट व्लॉग में पता लग जाएगा। हाँ इतना सा थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि कोई समथिंग 4600 किलोमीटर टू 5000 किलोमीटर्स, मतलब इतनी लंबी राइड होने वाली है वो। तो हाँ काफ़ी ज़्यादा लंबी राइड होगी तो मज़ा आएगा। मेरे लिए भी चैलेंज ही है किस्म का, मैंने राइड्स की हैं मैक्सिमम 2500 किलोमीटर 2600 किलोमीटर तक की हैं, बट ये राइड एक्सट्रीम होने वाली है, काफ़ी लंबी होगी तो बड़ा मज़ा आएगा। ये आ गई जी अपनी रॉयल इनफील्ड की सर्विस सेंटर, तो चलते हैं अंदर। आ जाओ भैया जी आ जाओ। अपॉइंटमेंट होगी भैया? ओके सर, साइड पे लगाते हैं जी, अंदर जगह नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बाइक्स आई हैं मेरे ख्याल से, तभी बोल रहे हैं। गाइस आ गए हैं अंदर कंपनी में, अंदर काफ़ी बाइक्स लगी हुई हैं, रैम्स भी फुल हैं सारे। और अपने भाई हैं, कटवाते हैं जॉब ऑर्डर, फिर मिलता हूँ आपसे। तो गाइस बाहर अपने भैया एक और आ चुके हैं, सुनील भैया दी ग्रेट। सुनील भैया क्या हाल है? और ठीक हो? बढ़िया बढ़िया। गाइस चेक दिस आउट, बाइक चेक करो कितनी प्यारी तैयार करवा दी है सुनील भैया ने। आपको बता दूँ ये भैया और मैं, हम दोनों ही राइड पे निकलने वाले हैं। और बाइक चेक करो, लुक एट दिस गाइस, अल्टीमेट ए टू जेड भैया ने ओके करवा दी हुई है, बस निकलना है अब हमने। मेरी बाइक भी जैसे रेडी हो जाएगी फिर हम इकट्ठे ही निकल जाएंगे सारे, है ना? एक्साइटेड हो? सबसे ज़्यादा। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं गांधीनगर सुनील भैया के साथ, कुछ हमें मेमोरी कार्ड्स लेने हैं जो कि हमारे एक्शन कैमराज में पड़ेंगे, तो बस वही लेने जा रहे हैं हम। तो चलते हैं वहाँ से वो लेते हैं, और एक राइडिंग जैकेट भी चाहिए है मेरे को, वो भी लेनी है। तो वो भी अगर मिल जाएगी अच्छी तो वो भी परचेज कर लेंगे। और जहाज़ के साथ साथ जा रहे हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल, वो जहाज़ जा रहा है, गोप्रो में तो कहाँ ही दिखेगा। बाकी आप झंडा देखो हमारा, देश की शान, जय हिंद जय हिंद, बहुत प्यारा लग रहा है। वाली माता जी जयकारा, मां बावे अली जी दा बोल सांचे दरबार की जय। जाम लग गया, जाम, ट्रैफिक, रेड लाइट आ गए। तो गाइस पहुंच चुके हैं जी
इलेक्ट्रॉनिक्स शॉपी, यहीं से लेंगे अपने मेमोरी कार्ड्स। और सुलविया की बाइक को देख देख के मेरा दिल ही नहीं भर रहा कि इतनी प्यारी लग रही है ना। आप भी कमेंट्स में बताना, लग रही है ना प्यारी। मेमोरी कार्ड्स आ गए हैं सारे, काफ़ी ज़्यादा। ये देखो मेमोरी कार्ड्स ले लिए हैं हमने 128 GB के। तो अब पूरी अर्पित इलेक्ट्रॉनिक्स से ही लिए हैं, तो अब राइड पे काफ़ी मज़ा आएगा क्योंकि डाटा सेव करने के लिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मेमोरी आ चुकी है। चलें फिर अब राइडिंग जैकेट वाले के पास। ठीक है। ओके गाइस, चेक दिस आउट, आ गए हैं हम SMK हेलमेट्स। इन्हीं से मैंने अपनी हेलमेट भी ली थी और राइडिंग जैकेट भी इन्हीं से देखेंगे। कैसे हो भैया? वो अभी जहाँ पसंद करें हैं जैकेट। देखो भाई कैसा लग रहा हूँ इसमें रोशनी। ये जी राइनॉक्स की जैकेट दिखाई है भैया ने अभी फ़िलहाल। इसमें ये लेवल 2 की है ना भैया? लेवल 2 की है, जिसमें एल्बो गार्ड, शोल्डर गार्ड और बैक पैड मिल जाएगा हमें, और चेस्ट माउंट भी है। चेस्ट माउंट भी है। तो अभी हम दूसरी ट्राई करते हैं, पहले उसमें देखते हैं कैसा रहता है। ये तो अच्छी ही आ रही है फिटिंग में, थोड़ी सी हाइट भी है ना मेरी, उस वजह से दूसरी ट्राई करते हैं। ये राइनॉक्स में आ गई है, तो इसकी फिटिंग कैसी लग रही है? इसकी फिटिंग अच्छी है, इसकी फिटिंग थोड़ी अच्छी लग रही है। इसमें भी चेस्ट राइनॉक्स में आ जाएंगे, चेस्ट में होगा ना, राइनॉक्स में चेस्ट में आ जाएंगे। कुछ भी ले सकते हैं, आपके पास वार्मर नहीं है तो सर्दियों में जो हम स्वेटर है कोई। ये अभी एक और अपनी राइनॉक्स की फिटिंग, मेरे को ना राइनॉक्स की बेस्ट आ रही है, एक्सोर की थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है। और कलर भी अच्छा है, कलर भी अच्छा है ना, नियॉन कलर्स है, रिफ्लेक्टर है ये। अब वैसे नियॉन तो खुद ही रिफ्लेक्टर है, सही बोला। इसकी फिटिंग ऐसी आ रही है, इसकी फिटिंग कैसी आ रही है? फिटिंग अच्छी है, आप बता सकते हो? फिटिंग अच्छी है इसकी, अच्छी है इसकी फिटिंग, अच्छी है। चलो फाइनली गाइज, अपनी राइडिंग जैकेट परचेज़ कर ली है हमने, राइनॉक्स की है, जो कि वर्ल्ड का बेस्ट ब्रांड है। वर्ल्ड का या इंडिया का भैया? इंडिया में, सॉरी, इंडिया का बेस्ट ब्रांड है राइडिंग गियर्स में। तो ये रही अपनी जैकेट, तो सुनील भैया पसंद आई ना आपको भी? काफ़ी अच्छी लगी, अच्छी लगी ना। और ये आ गया अपना बिल, और इसकी भैया ने हमें दी है जी 1 साल की वारंटी ऑन जैकेट और 5 साल की गारंटी ऑन आर्मर्स। तो चलो अच्छा ही है, जैकेट आ चुकी है। अब चलते हैं सीधा अपनी बाइक के पास कंपनी में, जो हमारा बेसब्री से इंतज़ार कर रही होगी, अपनी ब्लैक पर्ल। गाइस आ गए हैं जी यहाँ पे, गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए गन्ने का जूस पीने। सुनील भैया चेस पी लो गाइस, गर्मी लग रही होगी आपको भी। तो गाइस यहाँ पे आ गए हैं वापस अब कंपनी में, सुनील भैया ड्रॉप कर गए और अपनी बाइक की सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। तेल देखो कितना गंदा हो गया हुआ था, अभी ऑयल चेंज होगा, बाकी सर्विस वगैरह होगी। इतनी देर हम ऊपर वेटिंग रूम में वेट करते हैं। आ गए जी गाइस अपने वेटिंग रूम में। तो जैसे कि जब लास्ट राइड गया था मैं, तो तब भी मैंने यहाँ पे अपना स्टिकर एक पेस्ट किया था, तो अभी तक वो लगा हुआ है। और नीचे हो रही है अपनी ब्लैक पर्ल रेडी, और जो इस राइड का स्टिकर है वो भी अब यहाँ पे ज़रूर लगाएंगे। तो चलो लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। गाइस सर्विस हो चुकी है, डन, बिलिंग कर दी है, अब चलते हैं। काफ़ी मोटा खर्चा हो गया, राइडिंग जैकेट भी जो पुरानी वाली थी वो ख़राब हो चुकी थी, तो नई ली है आपको जैसे अभी दिखाई मैंने। वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा पैसे लग गए, चलो राइड करनी है तो फिर पैसे तो लगेंगे ही। वैसे गाइज ये जो राइडिंग जैकेट मुझे पड़ी है राइनॉक्स की, ये पड़ी है
9000 रुपये की। इसमें बीच में ही वो आ जाएंगे गियर्स वगैरह, तो जो मैं पहले एल्बो गार्ड भी डालता था, नी गार्ड्स भी डालता था, तो अब मेरे को सिर्फ नी गार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी, एल्बो गार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी सही रहेगा, अब राइड करने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोपहर के बज रहे हैं 2, तो चलते हैं अब घर को। चलो भैया, बाइक काफ़ी स्मूथ हो गई है सर्विस के बाद, मज़ा आ रहा चलाने में, लॉन्ग राइड पे और मज़ा आएगा। बस मिरर रह गया इसको डलवाने वाला, मिरर कंपनी में भी था बट लंच ब्रेक हो गई तो ज़्यादा टाइम लग रहा था, इसीलिए 2 घंटे वेट करने से अच्छा बाहर से डलवा लेंगे मिरर। तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ मैं कि फाइनली ये राइड होने लगी है, तो मज़ा तो आएगा। तो जिसने भी अभी तक आपने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, आपको काफ़ी मज़ेदार वीडियो आने वाली हैं, वो दिखेंगी मेरे YouTube चैनल पे। और ये ऑटो वाला देखो कैसे आया, और मेरी बाइक की ब्रेक भी कम लग रही है थोड़ी सी, क्योंकि अभी डीजल वॉश भी किया ना उन्होंने, तो जो इसके डिस्क पैड हैं उस पर डीजल लगा हुआ, तो ब्रेक बिल्कुल कम लग रही है, ना के बराबर। तो बस सब्सक्राइब कर लो गाइस, डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर व्लॉग्स, काफ़ी मज़ा आएगा, बड़े एक्साइटेड व्लॉग्स होंगे, पूरी राइड जर्नी अपनी पूरी दिखाऊंगा। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो गाइस मेरे को पीछे बाइक के कैरियर के पीछे वो पत्ती लगवानी थी, एक पूरी शीट जिसके ऊपर हमारा पूरा रूट मैप आ जाएगा। तो ऐसे मैं बाज़ार से सोच रहा था लगवाने के लिए, तो सुनील भैया की अपनी दुकान है तो चिंता किस बात की, तो आ गए हम भैया के पास, वही करवा रहे हैं अब पत्ती लगवाएंगे, तो हमारा काम टिच हो जाएगा एकदम। तो राइड की तैयारी डे बाई डे ओके होते जा रही है, अभी इसको वेल्ड कर देंगे यहाँ पर। तो गाइस आ गए हैं जी, अब हम चाय सुट्टा बार में, सुनील भैया बोल रहे हैं चलते हैं कुछ खा पी आते हैं, वहाँ पे अपनी प्लेट हो चुकी है सेट, और सुनील भैया के बाइक तो है ही सेट। गाइस यहाँ पे नरवाल में जिनसे टायर देखा मैंने, वहाँ पे उसकी थोड़ी सी क्वालिटी मेरे को सही नहीं लगी, अच्छी नहीं लगी। तो अभी मैंने सुनील भैया को फ़ोन किया जो अपने साथ राइड पे जा रहे हैं, उन्होंने भी टायर चेंज करवाया अपने उधर से ही, तो वहाँ पे भी मिल जाएगा टायर, तो वहीं जा रहे हैं, वहीं चलते हैं और वहीं से टायर चेंज करवाते हैं अब अपना। यहाँ पर मेरे को मज़ा नहीं आया, कि मेरे का मन मानना नहीं कि मैं इनसे टायर चेंज करवाऊँ, अब उनके पास चलते हैं, वहीं से टायर भी चेंज करवा लेंगे और कैरियर भी फिट हो जाएगा अपना। गाइस अभी चलते हैं सबसे पहले फ्यूल स्टेशन, पेट्रोल भरवाते हैं इसको, ब्लैक वॉल को करवाते हैं फिल। और अभी तक मैंने आपको नहीं बताया था ना कि मैं किस राइड पे जा रहा हूँ,
तो गाइज आपको पता लग ही गया होगा, नहीं लगा तो गाइज ये चेक दिस आउट, ये चेक करो, इंडिया टू नेपाल गाइज, मेरी ड्रीम राइड, इंटरनेशनल राइड भाई आपका करने जा रहा है। तो सपोर्ट करना गाइज, पूरी चैनल को सब्सक्राइब करना और मस्त मस्त व्लॉग आएंगे, सारे के सारे व्लॉग्स देखना, कांट रियली टेल यू गाइज, रियली गाइज, रियली मतलब कांट टेल यू कि मैं कितना खुश हूँ। ये अपनी ड्रीम राइड थी जो मेरी बकेट लिस्ट में काफ़ी सालों से वो स्टार्ट होने जा रही है। तो चलो फटाफट से पहले ब्लैक पर्ल को भूख लगी है, टैंक करवाते हैं फुल और उसके बाद निकलेंगे। एक प्रिंटर के पास जाना है मेरे को ना, अपनी राइडिंग जैकेट पे वरुण डोगरा व्लॉग्स ब्रांडिंग प्रिंट करवानी है, देखते हैं अगर हो जाएगी तो वो भी करवा लेंगे लगे हाथ। तो उसके बाद चलेंगे सुनील भैया के पास जहां हम करवाएंगे बाइक का टायर चेंज और बस फिर कैरियर फिट करवा के गायब हो जाएंगे, गायब। भैया फुल कर दो, गाइस टैंक करवाते हैं ब्लैक पर्ल का फुल, फर्स्ट टाइम होने जा रहा है मतलब इस राइड पे फर्स्ट टाइम, बाकी अभी पता नहीं कितने टैंक लगेंगे, दिखा दूंगा आपको कितने पूरी रोड ट्रिप पे कितने टैंक लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया डाल दो, तो गाइस टैंकी हो चुकी है फुल और इंडियन फ्लैग चेक करो कितना प्यारा लग रहा है। और आप चलते हैं सीधा वो प्रिंटर के पास जिससे मैंने इसके ऊपर प्रिंट करवानी है जैकेट के ऊपर। और गाइस कमेंट सेक्शन में बताना ये स्टिकर कैसा लग रहा है, ये वैसे स्टिकर नहीं है ये विनाइल है, ये कैसी लग रही है और ये क्या बन रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी 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 जी, हाँ मतलब बीच में कहीं पे एक जगह ऐसी होती है जहाँ डॉक करवानी पड़ती है कुछ एरिया के लिए, हाँ डॉक करवा के फिर वहाँ पे उतर जाएंगे। सो गाइज अपने मिरर लेने आया था मैं कंपनी में, ये आ गए अपने मिरर्स, नए ये सेट ही मिला दोनों, तो अब दोनों ही नए डल जाएंगे। चलो गाइस ये बिल आ गया अपना और ये मिरर्स आ गए हैं, फिट करवाते हैं और करते हैं बाइक को तारा रंपम। लो दोस्तों पड़ गए हैं अपने शीशे नए दोनों ही और पन्नी अभी नया नया फील लग रहा है ना तो इसलिए उतारी नहीं है, उतार देंगे। बाकी मिरर हो गया सेट, अब रह गया जी मेन टायर जिसके ऊपर हमारी ब्लैक पर्ल चलनी है, तो वो करवाते हैं चेंज। चले ना सुनील भैया वहाँ पे सीधा टायर वाले के पास चले ना आप सीधा, अब वहाँ पे चलते हैं टायर चेंज करवाते हैं, फिर लास्ट काम बचेगा जो कि है हमारा कैरियर फिट होना है, तो वो भी करवाएंगे। सो गाइज आ गए हैं हम फाइनली अपनी जहाँ से टायर चेंज करवाने हैं उस शॉप पे, दुकान का नाम है आधार अप्लाइन टायर्स। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिल गई मेरे को टायर्स की, देखो तो अपना टायर आ चुका है, ये डल रहा है जैपर जो कि पहले भी डला हुआ था, जैपर वही मैं डलवा रहा हूँ। और वहाँ पे देखो सिद्धांत मेरा दोस्त जो है वो आ गया बाजे मार रहा है वहाँ से, क्या हाल है मेरा भाई ठीक है नहीं इसका। ये रहा अपना टायर चेंज होते हुए और ये है जी दुकान, हम चलते हैं अंदर वेट करते हैं। ये रहा अपना टायर जैपर जी जी गाइस चेक दिस आउट, नया टायर अपनी ब्लैक पर्ल में डल चुका है और बाइक हो चुकी है फुल रेडी, बस कैरियर लगवाना पेंडिंग है, कैरियर फिट करवाते हैं फटाफट से चल के, उससे पहले करते हैं भैया की पेमेंट। सो गाइस जैकेट प्रिंट करवाने के लिए आए थे भैया के पास, हो नहीं पाएगी ये जैकेट प्रिंट, इसमें मैश है तो हमने बैचेस बनवा ली हैं अपने, ये देखो कैसे लग रहे हैं,
चलो चलते हैं आप घर को और करते हैं अपनी पैकिंग, क्योंकि मॉर्निंग में निकलना भी है। ओके भैया, थैंक यू। ओके गाइस, पहुंच चुके हैं कुंदन ऑटो गैरेज। कुंदन भैया की दुकान पे पहुंच चुके हैं। तो बोल दिया मैंने भैया को कैरियर फिट कराने के लिए, वो रही अपनी बाइक और कैरियर भी पड़ा हुआ है, अभी फटाफट से फिट करवाते हैं तो फिर चलेंगे घर को और करेंगे अपनी पैकिंग, बिकॉज़ कल मॉर्निंग में निकलना भी है अपने को। वेरी एक्साइटेड गाइज। गाइज, कुंदन भैया हमारे कुछ ज़्यादा ही बिजी थे तो अब आ गए। उन्हीं के सामने दुकान है महाशिव डेकोरेशंस, ये बाइकर पॉइंट है, ये भैया कर देंगे मेरे को फिट। वहाँ पे टाइम लग जाना था, वैसे भी 15-20 मिनट हो गए खड़े हुए, तो और कितना ही टाइम वेस्ट करना था, अंधेरा हो गया, तो इससे अच्छा अब इनसे फिट करवा लेते हैं। ये चेक करो गाइज, कैरियर अपना लग चुका है बाइक को और ब्लैक बल क्या भरी भरी लग रही है, पूरी रेडी टू रोल ऑन दी रोड्स। यहाँ पे अभी एक और विनाइल चिप का बनाई है मैंने, वो आ जाएगी सेम जैसे वो आगे टैंक पे है वैसे पूरा मैप आ जाएगा। और रिफ्लेक्टर्स तो ऑलरेडी मेरे लगे हुए थे कैरियर को, बाकी बाइक A1। आप भी बताना कमेंट्स में कैसी लग रही है। तो चलो चलते हैं घर को अब, क्योंकि और भी पैकिंग करनी है। तो ठीक है दोस्तों, होप करता हूँ ये मेरे पूरी व्लॉग में आपको मज़ा आया होगा जो मैंने प्रेपरेशंस की हैं। और ये देखो कहाँ से आ रहा था बेवकूफ़, रॉन्ग साइड पे आ रहा था। तो हाँ, मैं कहाँ था, मैं होप करता हूँ आपको मज़ा आया होगा जो मैंने पूरी प्रेपरेशंस आपको दिखाई अपने ट्रिप की। और आने वाले व्लॉग्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया, क्योंकि काफ़ी धमाकेदार व्लॉग्स आने लगे हैं। और यहाँ पे लड़ाई हो गई है किसी की मेरे ख्याल से। हाँ चलो होने दो, हम चलते हैं अपने घर, क्योंकि हमारा इंतज़ार कर रहा है नेपाल। तो ठीक है फिर, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। खाओ पियो मज़े करो घूमो फिरो, पर किसी का दिल ना दुखाओ। बाय बाय गाइस।